गाइस तिवारी क्लासेस है में आपका स्वागत है। आप देखते रहे पूरी वीडियो की स्किप मत करना। आज का टॉपिक है क्या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है प्रश्नावली का 9.1। इस सवाल में खूबी जानते हो देखना है और ये लिखा है कुछ नहीं भाई, आपको दिमाग में ठोंक देंगे ठोंक, केवल आप इसको देखते रहिए। बस कर क्या रहे हैं हम वो क्वेश्चन की ओर देखते सवाल। ठीक, तो सबसे पहले इसमें करना क्या, इस टॉपिक में क्या होता है दोस्तों, सवाल लगाने से पहले आपको एक से दो तीन बार जितने बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उससे क्या होता है क्वेश्चन में ही चित्र छिपा रहता है, क्वेश्चन से ही सवाल लगता है, क्वेश्चन में सब कुछ है। बात क्या है इसमें उत्तर की जांच करना मैं भी सिखाऊंगा तुमको। लोग सवाल तो बता कैसे आया और तुमको आंसर शीट नहीं मतलब केवल आंसर शीट कैसे लाया देखते हैं वो भी बता दूंगा। ठीक, लेकिन क्या है बने रही वीडियो में, वीडियो को हटाना मत, पूरी वीडियो इसको देखिए, आपका ही फायदा है, देखते रहिए। क्या लिखा है इस सवाल में, मैंने क्या बोला सबसे पहला टॉपिक क्या बोला कि बार बार पढ़ना, दो रूल हैं। पहला रूल क्या है बार बार पढ़ना है, जितने ज्यादा ज्यादा हो क्वेश्चन को पढ़ो। दूसरा रूल क्या है इसमें मैं क्या बताया हूँ, उत्तर की जांच करना मैं सिखाऊंगा, उत्तर जो आंसर आएगा उसका जांच करते हैं। क्या क्वेश्चन की ओर फोकस दीजिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा, मैंने क्या बोला लाइन को अच्छे से पढ़ना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, सर्कस कोई एक सर्कस तो गांव में देखे होंगे ना, नहीं देखे हैं तो हो सकते हैं देख लेना। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर क्या है लंबी डोरी पर चढ़ रहा। ठीक, कई मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा, देखिए कुछ समझ में आ रहा ना, मीटर लिखा है 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लिखा हुआ लंबी डोरी पर चढ़ रहा, चित्र इसमें दिया गया पहला सवाल। ठीक, 9.1 का है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी मतलब काजे से उसको बांध दिया गया अच्छी तरह से, इधर से क्या है बंधी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे दो खंभे, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर करने को, भूमि पर क्या भूमि है इस पर क्या है खंभा लगा है और सीधे तनी हुई है इसी पर बंधा हुआ। ठीक, बंधा हुआ यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, इसके साथ क्या है 30 अंश का कोण बन रहा है, तो आपको क्या करना है 30 अंश के इसके साथ क्या है बनाया गया, तो करना क्या है इसको ये देखिए सबसे नीचे वाला लास्ट क्या करना ऊंचाई ज्ञात करना, यही आपको ज्ञात करना है, यही आपको पता करना है। तो मैंने दोस्त बता रखा है इसका सूत्र होता है साइन कोस टेन, इसका आता है एल ए एल के ए है ना, इसका मतलब ये हुआ लाल बटे कक्का। ठीक, मतलब जो जिसके सामने आ रहा उसी का वही उत्तर होगा। ठीक, ये देखिए। ठीक, अब तुम्हें इस डिब्बा इसलिए बना लिया है कितना है, ठीक 3, तो आप तुम्हें देखना क्या है लंब बटे कण, ये लंब भी पता चल रहा है कण, तो किसका लगेगा एस, एस मतलब साइन। तो ठीक, अब क्या करना है सबसे पहले लिख लेना त्रिभुज, कितना त्रिभुज एक ही तो ना ए बी सी में, तो लिख लेना सबसे पहले क्या त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो ये भी कर दिया त्रिभुज ए बी सी में, करने के बाद आपके करना पता है ना, तो अब ये करना है कि क्या लिखा है किसका लगेगा साइन का, साइन थीटा बराबर सूत्र दोस्त क्या होता है लंब बटा कण, तुम्हें ज्यादा कहीं इधर उधर भागने से आसान देखे कि ठीक साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण, लंब कितना है दोस्त ये लंब होता है, ये क्या आपका है लंब है, ये आपका कितना है कण है, ये आपका क्या है आधार। ठीक, तो सब आपको पता चल गया ये क्या है लंब है ये कण है ये आधार। ठीक, तो लंब कितना है, लंब क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, और कण कितना हो जाएगा 20, और साइन थीटा, थीटा का जो ये मान होता है थीटा बोलते हैं, थीटा का मान कितना है 30 अंश, और ये सब मैंने पढ़ा दिया 30 अंश का मान, 50 अंश का मान, 60 अंश का मान मैंने बता रखा। ठीक, आप देख लीजिए है ना, वीडियो मिल जाएगी। साइन 30 अंश बराबर एच बटा 20 है ना शायद, तो क्या है साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, मैंने बता रखा है साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो करना क्या कुछ नहीं 1/2 कर दिया बराबर क्या है एच बटा 20। अब जो जिसके सामने आता है उसे कैसी गुणा कर दीजिए। ठीक, जैसे क्या इसका गुणा है ना इसका इसके गुणा, ठीक इसके साथ इससे साथ हो जाएगा क्या हो जाएगा 2s, अब 20 एक का नाम कितना होता है 20। अब क्या करना दोस्त, h को मैंने रोक लिया 20 के बटे 2 कर दिया, 2 × 20, तो h के मान कितना आया है, तो दोस्त कितना h के मान कितना आया है 10, और जो 10 आया यही आंसर। ठीक, आया है एच के मान 10 आया है। ठीक, यही आपके क्या हुआ आंसर। अब रही बात सर मुझे उत्तर की जांच भी तो बोले हैं ना, वो भी तो दिखाना है दोस्त, तो कुछ नहीं बने रही करना कैसे देखा है, देखिए इधर है ना क्या है ना करना आपको उत्तर की जांच, तो
तुम्हें सब कुछ बता दिया जाता है दोस्त, लेकिन ये कोई नहीं बताता, ये उत्तर का जांच होता है। ठीक, उत्तर के कैसे हम पता करें सही है या गलत होगा, तो वहां तो आंसर शीट रहेगा नहीं, केवल क्या रहेगा क्वेश्चन, आंसर आया तो तुमको भी दिक्कत रहता है सब, तो करना का इसी पर रख देना, किसी पर 2h = 20। तो अब पता ही हो गया, तुम लोग अपने आप का कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, 2 लिखा है, h का मान कितना है 10 = 20, 10 × 2 कितना हुआ 20 = 20, तो LHS = RHS अर्थात दोनों बराबर है, इससे साफ जाहिर होता है कि मेरा आंसर सही अर्थात राइट। और देखिए दूसरा सवाल इसी का, ठीक, देखिए क्या लिखा, आंधी, देखो सबसे पहले पढ़ना तो है आपको अच्छे से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, कोई आंधी आया तेज में और क्या होता है, पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूने लगता है। ठीक, ये लाइन अच्छा, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। ठीक, कितने मीटर है, 8 मीटर। तो करना क्या है, पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना, क्या क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। ठीक, तो क्या होता है, ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले करना क्या, आंधी आने से के पेड़, कोई एक क्या है पेड़, ठीक, कहाँ पर है, जमीन पर, इधर है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, पेड़ आंधी आने से कोई पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, जैसे मान लिया ये से देख लीजिए, ठीक, यहाँ पर है, ठीक, तो क्या है कि ये आपका, ठीक, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ कितने अंश कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, ये मैं बता दिया मैंने, अब क्या कर रहा है, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो ये आपको क्या करना है, ऐसे मान लेना। ठीक है, समझो, एक ये काल्पनिक रेखा है कि जो पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह से गिरा होगा। ठीक, ये हो गया है ना, यहाँ पर क्या कह लेंगे, ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी डी आपको कोई नाम दे देना है, चाहे ओ पी क्यों कर दीजिए, चाहे एम एन पी की कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से ए बी सी डी सही रहेगा। ठीक, इतना करने के बाद क्या होता है, इसके और देखिए आगे है ना, अब करना क्या है, जमीन पेड़ का पाद बिंदु दूरी पेड़ का शिखर को छूता है और 8 मीटर ऊंचा, क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा रखा ना, कह रहा जमीन को जो जमीन पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है वह कितनी मीटर दूरी है, 8 मीटर, ये आपको क्या होगा, 8 मीटर। ठीक, तो आप क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब आपको एच निकालना है। ठीक, क्या त्रिभुज ए बी सी लेंगे, क्या करेंगे, त्रिभुज है ना ए बी सी में, करना क्या दोस्त, त्रिभुज ए बी सी में आपको करना क्या, देखिए। ठीक, तो अब करना क्या है, यही तो निकालना ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा बराबर क्या करने के, लंब बटे आधार, आधार मतलब ए से, ठीक, इसको बोलते हैं लंब, एल्फार लंब, इस ए फार क्या होता है, आधार, इतना तो समझते हो ना, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक, आधार कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी मतलब 8, और टेन थीटा, थीटा का मतलब थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश, क्या कर देंगे यहाँ पर, 30 अंश रख देंगे। अब पता होना चाहिए टेन 30 अंश का मान कितना होता है, मैंने 1/√3 यही होता है ना, 1/ क्या कर देंगे, 1/√3, इधर क्या जाएगा, बी सी बटा 8। अब क्या करना है, कैची गुड़ा इधर उधर, ठीक, इससे इससे उड़ा क्या जाएगा, √3 BC, 8 का नाम 8, बी सी क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, क्या हो जाएगा, 8/√3। ठीक, ये आप क्या होगा, एक डिब्बे के अंदर रख देना। इसके बाद अब क्या करना, और देखिए है ना, अभी तो और निकाला ना त्रिभुज करके, और पूरा ए बी डी है ना, हाँ, तो अब क्या करना है, कोस 30 लगा देना। इसके बाद करना क्या, और देखिए, ठीक, अब क्या करना है, कोस, देखो हमने चेक किया कैसे करना है, कोस 30 लगाना, ठीक, 30 अंश का पता है। ठीक, अब करना क्या है, टेन और आधा मतलब लंब आधार तो पता कर लिया, अभी कर्ण बाकी। ठीक, तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन LALKKA, ये क्या है, पहचानना कैसे, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकालना है। ठीक, इधर करना ना, तो सूत्र कौन लगेगा, कोस, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक, और थीटा जगह थीटा बोले तो 30 अंश। ठीक, आधार कितना दोस्त, आधार आप कितना, 8 है ना, 8 कर दिया, और कर्ण कितना है, ए सी। ठीक, इतना करने के बाद कर्ण ए सी है, टेन 30 कोस 30 में वहाँ कितना होता है, कोस 30 अंश वहाँ कितना होता है दोस्त, कितना होता है, √3/2, यही होता है ना, √3/2 कर दिया, इधर क्या है, 8 AC, इससे इससे उड़ा उड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 AC, 8 × 2 कितना हुआ, 16, AC आपने क्या किया, रोक लिया, 16/√3। ठीक, इतना करने के बाद AC आपका कंप्लीट।
अब तुम लोग को एक चीज बताना बहुत जरूरी था, एसी का जो मान है वो किसके बराबर है डीसी की। इस सवाल में एक भी एसी का जो इधर वाला है ना, मतलब एसी या एडी का मान जो रहेगा वो डीसी के बराबर रहेगा छोटी वाले का। ठीक, ये था एच जो कि निकल गया। ठीक, इसके बराबर होगा, इसी कंडीशन है। अब क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कुल ऊंचाई ज्ञात करना क्या है, अब लिखना है पेड़ की ऊंचाई। अब करना क्या, इसके बाद पेड़ की ऊंचाई निकाल लेना। ठीक, तो ऊंचाई मतलब क्या आपका हो जाएगा, डीबी। डीबी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बीसी प्लस डीसी, है ना, ये तो हो जाएगा। अभी जस्ट कंडीशन क्या बताया गया आपको, इतना जान लीजिए क्या कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या, एसी का जो मान है यहाँ से यहाँ कण, उस किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। ये तो कंडीशन इस पार्ट में, इस कंडीशन। ठीक, अब करना क्या, बीसी का मान कितना है दोस्तों, बीसी का मान यहाँ निकाल रखा गया है 8/√3 प्लस डीसी का मान कितना है 16/√3। रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 16 + 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 से 14, 24√3। अब जो रूट थ्री नीचे लगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, परमेय कर, ऊपर भी इसी का गुणा, नीचे भी इसी का गुणा। ठीक, तो क्या है ना, तो करना क्या है, अब देखिए 24 लिखा है, 24 कर दिया, रूट थ्री कर दिया, और रूट थ्री गुणे रूट थ्री दोस्तों क्या होता है, 3 होता है। तो क्या हो जाएगा नीचे 3, अब 3 का पारा 3 8 24 क्या हो जाएगा 8√3। ये किसका मान है, ये दोस्तों ये डी और बी बराबर कितना हो जाएगा 8√3, और 8√3 क्या ही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ गया। अब चलते देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक, यही आंसर तीसरा सवाल। हाँ, तो 9.1 का तीसरा सवाल क्या है, काफी लंबा सवाल है। क्या लिखा, एक ठेकेदार थोड़ा से है ना मार्कस की वजह से गड़बड़ हो गया, बाकी सब दिख रहा होगा ना, हम पढ़ के बोल रहे हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में क्या लिखा हुआ है, लंबाई ज्ञात करना। ये लंबाई ज्ञात करना, प्रत्येक स्थिति में आपको लंबाई ज्ञात करना है। सवाल काफी लंबा नहीं है, आसान है, लेकिन कैसे है ये देखिए। ठीक, ये दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखते हैं सवालों में क्या है, इसकी खूबी क्या है। इसके लगाने कई तरीके हैं। ठीक, इसको चाहो तो एक ही में लगा दो, चाहो तो अलग अलग करके लगाओ। अलग अलग करके इसके क्या रहेगा, आपको आसान रहेगा। देखिए आपको क्या लिखा है, एक ठेकेदार एक बच्चों खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए क्या है, ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका 1.5 मीटर ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 अंश पर। सबसे पहले है ना, ऐसे आपने क्या किया, एक चित्र बना लिया। ठीक है ना, इसको लिखा है कितना, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। कितना, 1.5 ऊंचाई दी गया है। ये क्या मान लेते हैं, ए बी सी। ठीक, तो ए कितना दिया गया, यहाँ कोण कितना, कोण झुकाव देगा 30 अंश का। एक ही सवाल में दो दो सवाल इसमें बन रहे। ठीक, अलग अलग करके लगाओगे। ठीक, झुका हुआ है जबकि इससे अधिक अधिक, यहाँ तक रोक दीजिए। ठीक, इधर तक देखिए। अब करना क्या है, त्रिभुज कुछ में लाना, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, ए बी सी में क्या करते हैं, सबसे पहले 10 30 किसका है भाई, करना क्या है तुम्हें, लंबाई ज्ञात करना है, इसी निकालना है। तो लंब बटे कर्ण बराबर, देखो साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब इतना कितना है दोस्त, 1.5, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं पता तो इसी कर देंगे। साइन थीटा देख बोले तो ये क्या है, थीटा का मान कितना है, 30 अंश, और थीटा क्या बोलेगा, 30 अंश। तो कितना हो जाएगा, साइन 30 मान कितना था, 1/2, इधर क्या है, 1.5/AC। तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे 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 क्या हो जाएगा, AC 2 × 1.5। अगर 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 2 + 2 = 3, अर्थात कितना हुआ, 3। तो AC का मान कितना आया दोस्तों, AC का मान कितना आया है 3। ठीक, जो AC का मान 3 निकल आया, ये कितना था, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए था, इसके बाद अधिक, ये था इतने तक। ठीक, ये सवाल कहाँ तक था, इतने तक था। अब इसके बाद अब और देखिए। ठीक, 5 वर्ष के अधिक उम्र बच्चों के लिए क्या है, इसमें एच आपको दिया गया, ये क्या था, नीचे वाला सवाल था, इसको नीचे में था। ठीक, इसके ऊपर देखिए क्या है, एक चित्र इधर का बनेगा, एक चित्र इधर का मोड़ेगा। ठीक, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, देखते है ना, आपको कहना क्या, एक चित्र बनाना। ठीक, चाहो तो दोनों को एक तरह से जोड़ दो, बट उस तरह नहीं बता रहा हूँ, इस तरह बताने से क्या समझ में आएगा। ठीक, इसीलिए आसान है, इसलिए क्या है, आसान है, केवल पढ़ोगे बार बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आप देख लीजिए, खोलिए किताब, ABC तो कम्प्लीट हो जाएगा।
हो गया ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, ए बी सी के बाद डी ठीक ई एफ ठीक। अब ये कितना बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है 60 हर्ट्ज। थीटा का मान कितना है 60 हर्ट्ज ठीक। और एच ऊंचाई कितनी दी गई 3, और लंबाई आपको नहीं पता है। इसे लंबाई बोलते हैं, ये दूरी है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। ध्यान रखिए ये क्या है, आपकी लंबाई होती है, ये क्या होती है दूरी, ये क्या होती है ऊंचाई एच हाइट। तो अब क्या करना है, इसमें कौन सा क्वेश्चन लगाना है, इसको निकालने लिए लंब बटा कर्ण पड़ता है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब हो आपका 3, और कर्ण मुझे नहीं पता, तो कर्ण क्या कर देंगे एफ डी या एल लग जाए, कुछ भी रख दीजिए ठीक। साइन थीटा, अगर थीटा बोलेगा तो थीटा बोलेगा कितना, इसका थीटा कितना है 60 हर्ट्ज, कितना कर देना आपको 60 हर्ट्ज। अब पता होना चाहिए साइन 60 हर्ट्ज का मान कितना होता है, साइन 60 हर्ट्ज का मान होता है √3/2। तो करना क्या दोस्तों, √3/2 कर दिया, इधर क्या है 3, नीचे क्या लिखा एफ डी लिखा है। अब क्या करना है, 3 गुणा कर देना इससे 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 इससे, क्या जाएगा √3FD बराबर 3×3 अर्थात 3 × 2 कितना होता है 6। तो अब करने पर करना क्या है, एफ डी आप रोक लेते हो ठीक। FD आप रोक लिया तो क्या हो जाएगा 6/√3। जी ये इधर √3 था, ये इसके नीचे आ गया। अब जब इसके नीचे आ गया तो करना क्या दोस्तों, परिमेय करने तुमको लोग को पता ही होगा, तो करना क्या 6 लिखा हुआ है बाई √3 ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा √3 से, कितना हो जाएगा 6 रूट ऊपर ऊपर 6√3 नीचे कितना हो जाएगा 3। अब 3 × 6 अर्थात कितना हुआ 2√3। तो 2√3 आ गया ना, 2√3 किसका मानता है, जो ये आप निकाला ठीक, यही आपका आंसर है ना। एक ये आंसर है, एक आपका ये आंसर, दो आंसर है। अर्थात अगर आप चाहो इस चित्र को उठाकर इसके बगल रख दो आपका, तब भी आंसर सही है, इस तरह से भी सही है, आसान दोनों है, आंसर दोनों आ रहे। तो हाँ, तो बात करते हैं चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल कैसे लेगा, ये देखिए लिखा है, कुछ करना है देखना सामने, बस किताब में देखना ठीक। लिखा भूमि के एक बिंदु से, कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर कोने को कितना है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ठीक दोस्त, क्या बोल रहा है मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले करना क्या है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि है कोई ठीक, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से पाद बिंदु से 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है ना। तो ये कितना मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार का जो शिखर है, ये क्या आपका है शिखर है ना, ये देखिए ध्यान से देखिए, मीनार का शिखर है ना, ये हो गया शिखर का उन्नयन गुण करना है 30 अंश, कितने अंश का है, थीटा का मान कितना है 30 अंश। अब करना दोस्तों ए कर देना है बी सी, तो करना क्या है, मीनार की ऊंचाई आपको एच ज्ञात करना ठीक, दूरी पता है बट ऊंचाई नहीं पता। तो अब इसमें पता है कि लंब बटे आधार में कौन सा तो लगता है 10 लगता है, देखते आइए देख लेते कैसे। देखो मैंने बता रखा है साइन कोस 10, ये क्या है टेबल, एल ए एल का के ए मतलब लाल बटे कक्का, सबके पार्ट के सामने अलग अलग भाग विभाग टाइम में बांट दिया ठीक, ये मान लीजिए आप ठीक। तो अब देखना लंब बटे आधार किसमें आ रहा है 10 में, तो करना क्या है, लिखना सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में ठीक। अब इतना करने के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर लिखना है 10θ ठीक, 10θ लंब बटे आधार, तो कहा जाएगा लंब बटे आधार, तो 10θ बोले तो कितना लिखोगे आप 30 अंश, ये रहा ठीक। लंब कितना दोस्त, लंब आपका एच है, आधार कितना है 30, ये लंब है ना, तो लंब एच है आधार 30 है। 10θ का मान कितना होता है, 10θ का 1/√3 होता है ठीक। तो 1/ कितना हो जाएगा √3, इधर कितना हो जाएगा h/30, 3 गुणा ये से ठीक, तो क्या हो जाएगा √3h बराबर कितना 30 h। अब करना क्या दोस्त, h रोक लिया ठीक, तो कितना हो जाएगा 30/√3, 30/√, अब क्या करना है 30/√3 मतलब √3 का परिमेयकरण ऊपर यही चीज का गुणा नीचे यही चीज का गुणा ठीक। तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 30√3, और मैंने दोस्तों बता रखा है आप लोगों को √3×√3 जब भी होता है तो कितना हो जाता है 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 30 का भाग करोगे 10 × 3 = 30, तो h का मान कितना आ गया दोस्त 10√3, और जो 10√3 आया यही आपका आंसर, क्लियर बात खत्म ठीक।
यू आया है, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक ठीक आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर दोगे तो आप किसी सवाल को वीडियो मिलते रहेंगे। आप कंजूसी मत करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक।